This is an ABP Life podcast. अलकापुरी को कुबेर से जीतने के बाद रावण ने अयोध्या पर आक्रमण किया। उस वक्त राजा अनारण्य, जो भगवान श्री राम के ही पूर्वज थे, अयोध्या पर शासन करते थे। आज का रावण। तो क्या हुआ रावण के अयोध्या पर आक्रमण के बाद? हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया और आप मुझे सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है आज का रावण। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन घटनाओं, उन डायमेंशंस की, जिन्होंने रावण की लाइफ को वो दिशा, वो कारण दिए, जिनसे उसका भविष्य निर्धारित हुआ। पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में हमने रावण के बारे में, उसकी लाइफ से जुड़े बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। तो आइए शुरू करते हैं रावणा सीरीज का सेकंड एपिसोड, डायमेंशन वन से। तो जब रावण ने अयोध्या के दूसरे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, तब कुछ राजाओं ने या तो सरेंडर कर दिया या कुछ ने रावण के साथ संधि। बट इट वॉज ओनली किंग अनारण्य हु चैलेंज रावणा एंड डिड नॉट एक्सेप्ट हिज सप्रेशन। अनारण्य का यही स्वभाव पर्याप्त था रावण के अहम को चोट पहुंचाने के लिए। एंड फाइनली अनारण्य डाइड एट द हैंड्स ऑफ रावणा। हे रावण, तेरा ये अहंकार ही तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। न तू रहेगा, न तेरी सोने की लंका। मेरी ही पीढ़ी का एक योद्धा तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी आखिरी सांस लेते वक्त अनारण्य ने रावण को श्राप दिया। ये था डायमेंशन वन। और कहीं ना कहीं राजा अनारण्य की मृत्यु का ये पूरा एपिसोड एक कारण बना रावण की मृत्यु का। आइए अब जानते हैं डायमेंशन टू के बारे में। रावण के पिता विश्रवा बहुत बड़े पंडित एवं ज्ञानी ब्राह्मण थे। ही कॉशन्ड रावणा दैट द वन हु विल ब्रिंग मिसफॉर्च्यून टू लंका एंड हिम इज ऑलरेडी बॉर्न। रावण उनकी बातों को अनदेखा कर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मिथिला नरेश जनक के यहां पुत्री रूप में आगमन होता है सीता माता का। सीता माता बालक रूप में राजा जनक के राज्य में एक खेत में, एक घड़े में मिलती हैं। बाय द वे, राजा जनक का असली नाम राजा श्रीध्वज था, क्योंकि मिथिला पर राज करने वाले राजाओं को जनक कहा जाता था, इसलिए वे भी राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये है डायमेंशन टू, जिसने रामायण को एक नई दिशा दी और रावण के भविष्य को भी। आइए सुनते हैं आखिरी डायमेंशन, डायमेंशन थ्री के बारे में। तो ये बात उस समय की है जब असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रह्लाद के बीच भगवान विष्णु को लेकर विवाद हो रहा था। एंड एज द आर्ग्यूमेंट टर्न्ड वायलेंट, विष्णु इन द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा किल्ड हिरण्यकश्यप। और उसके बाद प्रह्लाद ने वहां अपना शासन स्थापित किया। समय बीतता गया और फिर कई सौ साल बाद महाबली, हु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ प्रह्लाद, रूल्ड द असुरा किंगडम। एक बार जब राजा महाबली अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, तब भगवान विष्णु अपने अवतार के रूप में प्रकट होकर राजा महाबली से तीन पैर जमीन बराबर भाग मांगते हैं, जिसमें महाबली को कारणवश अपना सारा राज्य भगवान विष्णु को दान में देकर पाताल के लिए प्रस्थान करना पड़ा।
कहा जाता है कि ओणम, जो केरला का एक प्रसिद्ध त्योहार है, राजा महाबली के हर साल घर वापसी के उपलक्ष में मनाया जाता है। कई हजार साल बीत गए और रावण के नाना सुमाली, माल्यवान और माली लंका पर राज कर रहे थे, जब देवताओं ने आक्रमण कर लंका पर जीत हासिल की। उस युद्ध में माली की मृत्यु हुई और सुमाली तथा माल्यवान पाताल में जाकर निवास करने लगे। एक रात असुरा जाति के सभी प्रमुख इकट्ठा हुए एंड दे डिसाइडेड टू विजिट द हर्मिटेज ऑफ सेज विश्रवा। विश्रवा ऋषि पुलत्स्य के पुत्र और भगवान ब्रह्मा के पड़पुत्र थे। असुरा प्रमुख सुमाली और माल्यवान ऋषि विश्रवा से मिलने का कारण था असुरा जाति के भविष्य का विश्लेषण करना, कि क्या देवताओं से संधि उचित है या उन पर आक्रमण करना। वहां सुमाली के साथ उसकी पुत्री केकसी भी थी। इन्हीं सभी वार्तालापों के बीच ऋषि विश्रवा का ध्यान केकसी पर गया और केकसी भी यह अनदेखा ना कर पाई। दोनों ने एक दूसरे को प्रेम स्वभाव से देखा और इसी के साथ शुरू हुआ रावण के जन्म का प्रथम अध्याय। तो हमने उन तीनों घटनाओं के बारे में जाना जिनसे शिव भक्त रावण की लाइफ को एक दिशा मिली, रावण के भविष्य को एक आधार मिला। जानेंगे ऐसे ही और बातें रावण के बारे में आगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक देते हैं इस कथा को विराम। और आप सुन रहे थे गौरव को इस पॉडकास्ट सीरीज में, जिसका नाम है आज का रावण। आज का रावण। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।